श्रीमद् भगवद गीता के सार पर आधारित आरपीएम लवली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा पथदर्शिका का आयोजन। पूर्वी दिल्ली न्यू लॉयलपुर स्थित लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों पर आधारित पथदर्शिका नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों पर आधारित नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किए। इसके द्वारा ये संदेश दिया गया कि कैसे हम जीवन में नैतिक मूल्यों पर आधारित संस्कारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देते हुए अपने घर, परिवार, समाज, देश और इंसानियत की राह पर कुछ बड़ा अर्जित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, अपने आसपास की सकारात्मकता को और अधिक ओजस्वी बना सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आरपीएम लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर इंदर मलिक द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लवली पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती एसडी मलिक और दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती सुरेंद्र जीत कौर रही। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दिशांत मल्होत्रा, डायरेक्टर साईं ड्रीम पब्लिक स्कूल, मिस्टर भावेश और मिस्टर पुनीत टी सीरीज के प्रोडक्शन हेड ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने नाट्य रूपांतरण के तौर पर भगवान कृष्ण की गीता के सभी अध्याय को जैसे समावेश में बांध कर ऐसी प्रस्तुति की जैसे साक्षात कलयुग में अपने बच्चों के संपूर्ण सार को समझाने का प्रयास किया हो। न सिर्फ स्कूली बच्चों का योगदान बल्कि इस कार्यक्रम के पीछे की टीम, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और एकेडमी हेड ममता मधोक की मेहनत और सभी अभिभावकों का योगदान भी सराहनीय रहा। पथदर्शिका का महत्व मुख्य अतिथि श्रीमती एसडी मलिक द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ मौजूद सैकड़ों अभिभावकों को समझाया गया। वहीं दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट कमिश्नर सुरेंद्र जीत कौर ने बेटियों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और समाज की नींव में अहम भूमिका निभाने की जरूरत पर जोर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर इंदर मलिक के द्वारा अभिभावकों को दिनचर्या में अधिक से अधिक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अभिभावकों को यह भी समझाया कि आपके समझाने वाले शब्दों से अधिक वे आपको देखकर ही सब कुछ सीखते हैं, इसलिए शब्दों के साथ साथ परिवार, घर और स्कूल में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए कि बच्चे देखकर अपनी दिनचर्या में अच्छा और सकारात्मक माहौल बनाने में कामयाब हो और बुलंदियों को छू सके। जो मोटो हमारा था जो आज के प्रोग्राम का मेन था कि बच्चों के अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उनके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालना है। और गीता में बहुत सारी ऐसे लर्निंग है जो हमें या बच्चों को नहीं मालूम है, तो ये इस फंक्शन के द्वारा हमने बच्चों के अंदर एक वैल्यूज डालने की कोशिश कर ली है और उसमें अच्छी अच्छी हैबिट बनाने के लिए हम रिचुअल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बच्चे अच्छे अच्छे वैल्यूज के साथ अच्छे अच्छे काम करें। जैसे गीता में कहा है कर्म करते जब फल की इच्छा ना करें, अच्छे कर्म करें, ये चीज़ हमारा ये मेन मतलब है, अच्छे कर्म करें और उसके फल के लिए ना ज़्यादा जाएँ। तो हम बच्चों को चाह रहे हैं कि बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हों, खुश रहें, उसके लिए ये फंक्शन पे हम पेरेंट्स को और बच्चों को मैसेज देना चाह रहे हैं और हमारा आज का प्रोग्राम से ये हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। सच में पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लवली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर का और जो चेयरपर्सन है उनका और सभी टीचर्स का, बच्चों का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आज वो पथदर्शिका नाम से जो उन्होंने गीता की टीचिंग्स को बच्चों ने प्ले के रूप में किस तरीके से परफॉर्म किया, एक्सलेंट परफॉर्मेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर उनकी जो उन्होंने स्टेज को जो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और एक एक बच्चे ने अपने एक्ट को जो पूरी गीता में जितनी भी हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स के थ्रू लाइफ को जीने का जो पाथ समझाया अर्जुन को, वो सब चीज़ें बच्चों ने लाइव परफॉर्म की स्टेज के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैंने बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी कुछ बच्चों से सीखने को मिला। और मैंने सभी को रिक्वेस्ट भी की कि अपने बच्चों को ये जो आज ये उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया है उसको अपनी लाइफ में आत्मसात करने की कोशिश करें। पेरेंट्स जो है वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करें बच्चों को आगे बढ़ाने में और इस तरह की रोल प्ले करने में। मैम, आप वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए जानी जाती हैं, आपका एक बड़ा नाम है, तो ऐसे में आप बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर क्या आपने बताया किस प्रकार से? मैं यही चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब होती है तो हम सबसे पहले तो यह है कि फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को आज की डेट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए
और अपने इस तरीके का अपने आप को हेल्दी बनाना चाहिए ताकि उनके साथ अगर कोई भी कहीं इंसिडेंट होता है तो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। खासतौर से अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनके पास होगी, टेक्निक्स उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पता होंगी, तो वो आराम से जिस तरह अगर कोई स्नैचिंग उनके साथ हो रही है, रॉबरी हो रही है, टीजिंग हो रहा है, कोई स्टॉकिंग हो रही है, किसी भी तरह का इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। पेरेंट्स को सुने, उनके साथ हेल्प करें उनको, और आगे बढ़ने के लिए अपने जो भी, खासतौर से मैं चाहती हूँ कि फोर्सेज में लड़कियाँ आएँ खासतौर से, क्योंकि फोर्सेज में रह के उनके पास पावर होगी, वो और भी बहुत सारी महिलाओं को हेल्प कर पाएंगी, तो वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हम लड़कियां बहुत कम फोर्सेज ज्वाइन करती हैं, तो उसके लिए मैं इनकरेज करना चाहती हूं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगी कि हर फील्ड में लड़कियां, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आज की डेट में कौन सा ऐसा फील्ड है जहां लड़कियों ने अपना परचम नहीं लहराया। जब आर्मी तक में नहीं पहले जाने दिया जाता था, वहां के आजकल आज की डेट में जो पायलट बनी हुई हैं लड़कियाँ, खासतौर से उनके जो लड़ाकू विमानों को तक को उड़ा रही हैं, तो इससे ज़्यादा और तो क्या लड़कियाँ एम्पावर हो सकती हैं। बस ये कि उनको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उसके लिए वर्क करना है, अपने गोल को निर्धारित करना है और मेहनत करके उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने हैं, तभी वो डेडिकेशन के साथ अगर जुट जाएंगी तो वो हर चीज़ अचीव कर सकती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।